Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेडेरिको फेलिनी की बनाई इटालियन फिल्म अमारकॉर्थ के बारे में, जिसे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए अकेडमी अवार्ड मिला है। और ये कहानी है तीता नाम के एक लड़के की, जो अपने गाँव के अजीबो गरीब कैरेक्टर्स के बीच पला पड़ा। 1930 के दौर में जब इटली में फासिस्ट राज चल रहा था, तब रिमिनी शहर के पास एक छोटे से गांव में लोग बदलते मौसम की खुशी मना रहे थे। वसंत के उस मौसम में उस गांव में सब कुछ बदलने लगता है और लोग अपने ट्रेडिशनल बॉनफायर की तैयारी करने लगते हैं। वो पूरा गांव रात को बॉनफायर की ओर जाता है, जहां बॉनफायर के जरिए सर्दी की चुड़ैल को जलाया जाता है। उस गांव में ग्रदिस्का नाम की एक औरत रहती है, जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। चुड़ैल के पुतले को जलाने से पहले गांव के लोग एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हैं और एक दूसरे को डराने के लिए पटाखे फोड़ते हैं। इसी तरह आग बुझने तक वसंत की खुशी मनाई जाती है। इस अजीबो गरीब गांव में एक स्कूल है, जहां बच्चों का ध्यान अपने टीचर्स का मजाक उड़ाने पर और एक दूसरे को छेड़ने पर रहता है। उस स्कूल में तीता नाम का एक लड़का पढ़ता है, जो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है और उससे उसके टीचर्स परेशान हो चुके हैं। पर सिर्फ टीचर्स ही नहीं, वो बच्चे भी अपने अजीब टीचर से परेशान हो गए हैं। कुछ टीचर्स की क्लास से बच्चे बाहर भाग जाते हैं तो कुछ खुद ही उन्हें बाहर निकाल देते हैं, और कुछ टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते ही अपना आपा खोने लगते हैं। तीता का परिवार भी दूसरे गांव वालों की तरह अजीब ही था, जहां उसके पिता हर वक्त गुस्से में रहते हैं और घर में खाने के लिए लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं। एक दिन तीता के पिता को पता चला कि वो फिल्में देखता है, और ये जानते ही वो उस पर चिल्लाने लगे और कहने लगे कि उसका स्कूल जाना बंद करना पड़ेगा। उन्हें ये भी पता चला कि तीता ने अपने पड़ोसी की टोपी पर पेशाब किया था, और उसके पिता ओरेलियो का पागलपन देखकर उसकी माँ भी चिल्लाने लगी। उन दोनों के लड़ाई झगड़े के बीच तीता के दादा का पेट खराब हो गया और वो 1-2-3 करने दूसरे कमरे में चले गए। बहुत देर तक लड़ने झगड़ने के बाद आखिरकार ओरेलियो का पागलपन खत्म हुआ। तीता के दोस्त ग्रदिस्का को हर वक्त छेड़ते रहते हैं, पर तीता ने खुद कभी ऐसा नहीं किया, जबकि वो ग्रदिस्का की तरफ अट्रैक्टेड है। उस गांव में एक पढ़ा लिखा वकील भी है, जो बिना रुके हर वक्त इतिहास की बातें बताता रहता है, पर ना तो कोई उसकी बात सुनता है और ना ही कोई उसे बोलने देता है। एक दिन तीता चर्च गया, जहां उससे कन्फेशन करने के लिए कहा गया। उसने अपने सारे पापों के बारे में बताया, सिवाय इसके कि वो दिन रात ग्रदिस्का के बारे में सोचता है। उसने ये सोचकर ये बात छिपाई कि उस पादरी के आसपास भी दो औरतें रहती हैं, जिनके बारे में शायद पादरी भी सोचता होगा। तीता ग्रदिस्का के करीब जाना चाहता था और एक दिन उसे ये मौका मिला, पर उसे एक बच्चा समझकर ग्रदिस्का ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद उस गांव में गवर्नमेंट के लोग आए और उन्हें देखने हर कोई आया, क्योंकि उनके गांव के आधे से ज्यादा लोग फासिज्म और मुसोलिनी को सपोर्ट करते हैं। उन लोगों में तीता के टीचर्स और उसके चाचा भी मौजूद हैं। इस रैली में तीता के पिता ओरेलियो भी जाना चाहते थे, पर उसे उसकी पत्नी मिरांडा ने रोक दिया और घर में बंद कर दिया। रैली के दौरान तीता के स्कूल वालों से मुसोलिनी के लिए परफॉर्म करने के लिए कहा गया, पर इस परफॉर्मेंस के बीच तीता का दोस्त चीचियो अल्डीना नाम की लड़की से शादी करने के सपने देखता रहा। उस रात सारे सिपाही एक बार में थे, जब गांव की बिजली कट गई। ऐसा होने की वजह से जब वो लोग बाहर गए तो उन्हें पास के किसी बिल्डिंग से आ रही आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज उस गाने की थी जो लेफ्ट विंग के लोगों का गाना है। वो सारे सिपाही उस ग्रामोफोन को ढूंढने लगे, जिसमें से ये गाना बज रहा था, और जैसे ही वो ग्रामोफोन उन्हें चर्च की छत पर मिला, उन सब ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और गोली मार कर उन्होंने ग्रामोफोन तोड़ दिया। उस ग्रामोफोन के बारे में पूछताछ करने के लिए ओरेलियो को हिरासत में लिया गया, क्योंकि अपने अतीत में ओरेलियो एक क्रांतिकारी हुआ करता था। ओरेलियो मुसोलिनी को सपोर्ट नहीं करता था, पर वो आजादी से ये बात कह भी नहीं सकता। फिर भी उन फासिस्ट सिपाहियों को ये बात समझ आ गई और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो ग्रामोफोन चर्च की छत पर रखने वाला ओरेलियो ही था। उन सिपाहियों ने उसे कैस्टर ऑयल पीने के लिए कहा, और जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो वो लोग उसे जबरदस्ती कैस्टर ऑयल पिलाने लगे। उसे रिहा तो कर दिया गया, पर उसकी हालत बिगड़ गई। किसी तरह मिरांडा उसे घर लेकर आई, जिसके बाद वो उसे नहलाने लगी और उसे बेहतर महसूस हुआ। तीता अपने पिता का मजाक उड़ाने लगा, पर तीता से ज्यादा गुस्सा ओरेलियो को अपने भाई पर आ रहा था, क्योंकि वो एक फासिस्ट सिपाही है और उसी ने अपने साथियों को ओरेलियो के बारे में बताया था। वकील जानता था कि ग्रदिस्का असल में गांव में मशहूर क्यों है।
उसका असली नाम निनोला था और एक दिन उसे इटली के राजकुमार के पास ले जाया गया और निनोला ने उसे उस रात खुश करने के लिए ग्रदिस्का कहा, जिसका मतलब था कि राजकुमार जो चाहे वो उसे मिल जाएगा और इसी तरह उसका नाम ग्रदिस्का पड़ा। एक रात उसी राजकुमार की पार्टी देखने तीता अपने दोस्तों के साथ गया, पर उन्हें उस पार्टी से भगा दिया गया। इस सबसे अनजान उसके चाचा एक लड़की के करीब आने की कोशिश में गुम थे। तीता के दूसरे चाचा, जिसका नाम तियो है, एक पागल खाने में रहता है। उसे एक दिन के लिए उस पागल खाने से बाहर ले जाने की परमिशन लेकर जब तियो के पास उसका पूरा परिवार आया तो वो बेहद खुश हो गया। वो लोग तियो को खेतों की सैर कराने ले गए, पर जब उन्होंने उससे बातें की तो उन्हें समझ आया कि तियो की हालत बदतर हो चुकी है। तियो अपने साथ पत्थर लेकर घूमता है क्योंकि उसे पत्थर खूबसूरत लगते हैं। ये बात बताते ही उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा और खेत में जाकर वो पेशाब करने लगा, पर उसके पिता ने देखा कि उसने पैंट में ही पेशाब कर दी। उन सबको तियो की फिक्र होने लगी, पर उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। फार्म हाउस पर पहुंचकर, जहां एक तरफ तियो अपने दुनिया में गुम था तो दूसरी तरफ तीता और उसका भाई जानवरों के साथ खेलने में गुम थे। ऑरेलियो ने अपने पिता से तियो पर नजर रखने के लिए कहा, पर वो थोड़ी देर के लिए शराब पीने के लिए दूसरी तरफ गए और इस बीच तियो गायब हो गया। अचानक तीता के भाई ने सबको बताया कि तियो पेड़ पर चढ़ गया है। वो पेड़ से ये कहकर चिल्ला रहा था कि उसे एक औरत चाहिए। इतना ही नहीं, वो हर किसी की ओर पत्थर फेंकने लगा और उसकी हरकतों से ऑरेलियो परेशान हो गया। एक एक कर हर कोई उसे नीचे उतारने की कोशिश करने लगा, पर तियो ने किसी को ऊपर आने नहीं दिया। गुस्से में ऑरेलियो ने कह दिया कि वो सब तियो को छोड़कर निकल रहे हैं, और अपने पिता के कहने पर भी ऑरेलियो रुका नहीं। वो लोग वहाँ से जाने का नाटक करने लगे, मगर तियो फिर भी नीचे उतरने के लिए माना नहीं और उन सब पर पत्थर फेंकता रहा। तियो का इंतजार करते करते शाम हो गई, पर वो अब भी चिल्लाए जा रहा था। कुछ वक्त बाद पागल खाने से एक बौनी नन आई और आखिरकार उसके कहने पर तियो पेड़ से उतर गया, जिसके बाद उसे वापस पागल खाने ले जाया गया। इस बात को कई महीने गुजर गए और पतझड़ का मौसम आया। उस गांव के लोग समंदर की ओर जाने लगे, जहां से बोट लेकर वो उस शिप के रास्ते जाने वाले थे जो समंदर से गुजरने वाला है। गांव खाली करके हर इंसान वो शिप देखने इसलिए जा रहा था क्योंकि उस शिप की टेक्नोलॉजी उस दौर की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी और उस शिप पर पूरे इटली को गर्व था। उस शिप का इंतजार करते करते दिन गुजर गया और एक दूसरे से बातें करते करते आधी रात हो गई, जिसके बाद थक कर सारे गांव वाले बोट में ही सो गए। अचानक उन्हें हॉर्न की आवाज आई और आखिरकार उन सब ने अपनी आंखों के सामने उस बड़ी सी शिप को देखा, और जो ना देख पाया वो आवाज सुनकर खुश हो गया। कुछ दिनों बाद गांव में धुंध फैल गया, जो इतना ज्यादा था कि तीता के दादा धुंध में ही खो गए और ये सोचने लगे कि शायद मौत ऐसी ही दिखाई देती है। वो अपने घर के रास्ते से भटक गए और अपना घर कहीं नहीं ढूंढ पाए, पर फिर जब उनके सामने एक आदमी आया तो उसने बताया कि वो बहुत देर से अपने घर के बाहर ही खड़े हैं। इस घनी धुंध में तीता का भाई स्कूल जा रहा था, पर धीरे धीरे वो डरने लगा। किसी तरह अपने डर से लड़कर वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ। उस वक्त तीता अपने दोस्तों के साथ स्कूल बंक करके वहां के आलिशान होटल के पास चला गया और वो सब अपने साथ लड़कियों को इमेजिन करते हुए ज़ॉम्बीज की तरह नाचने लगे। गांव में हर साल एक कार रेस होती है और तीता उस रेस को जीतने के और ग्रदिस्का को जीतने के सपने देखने लगा, साथ ही चीचियो अल्डीना को जीतने के सपने देखने लगा। पर वो दोनों ही जानते थे कि उन्हें रेस में हिस्सा लेने ही नहीं दिया जाएगा। एक शाम तीता सिगरेट लेने एक दुकान पर गया। वो दुकान बंद होने से पहले ही अंदर चला गया और उस दुकानदार की मदद करने की कोशिश करने लगा, पर उसे कमजोर समझकर उसने तीता को रोक दिया। उस वक्त अपनी ताकत दिखाने के लिए तीता उस दुकान की मालकिन को उठाने लगा और ये बात उस औरत को अच्छी लगी, पर ऐसा करने की वजह से तीता बीमार हो गया। जल्द ही सर्दी का मौसम भी आ गया और तीता की बीमारी बढ़ गई। मिरांडा उसे दवाई देकर ठीक करने लगी और अपनी माँ से बातें करते हुए उसे बेहतर महसूस होने लगा। एक रात बर्फ पड़ने लगी और इस बात से हर किसी को खुशी हुई। उस रात जितनी बर्फ पड़ी उतनी पहले कभी नहीं पड़ी थी और इसे एक ऐतिहासिक दिन समझकर जब वकील सबको ये बात बताने लगा तो सारे बच्चों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। तीता अब भी ग्रदिस्का का दीवाना था और हर जगह उसका पीछा कर रहा था। उसकी जिंदगी में सब ठीक चल रहा था, पर कुछ दिनों बाद उसकी माँ को एक बीमारी हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। और एलियो और तीता इस बात से खुश थे कि मिरांडा की हालत दूसरे मरीजों से बेहतर थी। बेफिक्र होकर तीता दूसरों के साथ बर्फ के मजे उठा रहा था और अपनी माँ के बारे में भूलकर वो ग्रदिस्का के साथ वक्त बिता रहा था। और कुछ देर बाद उन सबकी नज़र एक मोर पर पड़ी, जिसके आने के साथ ही उन्हें वसंत के आने का इशारा मिल गया।
कुछ महीने गुजरे और एक सुबह तीता को पता चला कि उसके दादा को घर से दूर ले जाया जा रहा है। जब वो अपने कमरे से बाहर आया तो उसे कुछ औरतें रोती हुई नजर आई और उसे खबर मिली कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। तीता अपनी जिंदगी में इतना गुम था कि उसे अपनी माँ की फिक्र ही नहीं हुई और अब उसने अपनी माँ को खो दिया। ये खबर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस दिन के बाद वो पूरी तरह बदल गया। मिरांडा की मौत से तीता के चाचा को भी बहुत दुख हुआ, पर उसका दुख और एलियो को नाटक लग रहा था। तीता को अब किसी चीज में खुशी नहीं मिल रही थी और वसंत के आने पर भी वो बिल्कुल खुश नहीं था। कुछ दिनों बाद ग्रदिस्का की एक फासिश सिपाही के साथ शादी हो गई और गांव वाले इस शादी के जश्न में शामिल हुए, पर जिस वक्त ग्रदिस्का अपने पति के साथ गांव छोड़कर गई, उस वक्त तीता के दोस्तों को पता चला कि तीता भी गांव छोड़कर चला गया है और उस दिन के बाद वो किसी को नहीं मिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।